नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल चैनल के एक और नए वीडियो में। यहाँ पर अभी हम बात करने वाला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो सेमीफाइनल खेला जा रहा था अंडर 19 वर्ल्ड कप के तहत, उसमें इंडिया के सैरों ने पाकिस्तान को हरा दिया है और काफी अच्छी तरीके से मात दी है। तो अभी हम बात करेंगे इस मैच के संपूर्ण हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशनल चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले मैचेस के हाइलाइटेड पॉइंट सबसे पहले। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से इंडिया ने यह मैच जीत लिया है। तो आपको बता दें, पाकिस्तान ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ये बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि इंडियन बॉलर्स ने उनके बैट्समैन को टिकने ही नहीं दिया। कप्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे खेलते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन दे नहीं पाए। आपको बता दें, इस मैच में इंडिया की तरफ से 10 विकेट पूरे के पूरे निकाल दिए गए थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान 43.1 ओवर में 172 रन बनाने में सफल हुआ और 10 विकेट खोकर 22 पवेलियन लौट गया। इसके जवाब में इंडिया ने शानदार बैटिंग की और एक विकेट न गिरने दिया और डाल दिए 176 रन और बना डाले और जीत गए इस मैच को। बात करी जाए अगर पहले पाकिस्तान के बैट्समैन की और इंडिया की बॉलिंग की, तो पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज हैदर अली ने 77 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन बनाए। वहीं मोहम्मद हुरेरा ने 6 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाए और वापस पवेलियन लौट गए। वहीं फहद मुनीर को एक भी रन हासिल नहीं हुआ। वहीं कप्तान रोहेल नजीर ने 102 गेंदों का सामना करते हुए 62 रन बनाए। काफी खराब स्ट्राइक रेट के साथ खेलते, यही कारण था पाकिस्तान की हार का। उनके बाद कासिम अकरम 9, मोहम्मद हारिस 21, इरफान खान 3, अब्बास अफरीदी 2, ताहिर हुसैन 2। इनके अलावा आमिर अली ने 1 रन का योगदान दिया और इस प्रकार से पाकिस्तान 172 रन पर पहुंच पाई। जवाब में आई इंडिया टीम ने शानदार प्रदर्शन दिया, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इंडियन बॉलर्स की। तो इंडिया की तरफ से सुशांत मिश्रा को 3 विकेट हासिल हुए, वही रवि उसने 2 विकेट हासिल हुए और कार्तिक त्यागी को भी 2 विकेट हासिल हुआ और साथ ही अदरवा अंकलोकर को 1 विकेट हासिल हुआ और इस प्रकार से थी इंडिया की बॉलिंग। बात करी जाए अब अगर इंडिया के बैट्समैन की, तो इंडिया की तरफ से 2 खिलाड़ी खेले और ओपनिंग बल्लेबाजी खेल पाए। यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया, वही दिव्यांश सक्सेना ने अपने 8 शतक पूरा किया। यशस्वी जायसवाल ने 113 गेंदों का सामना करते हुए 105 रन बनाए, वही दिव्यांश सक्सेना ने 99 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाए और इस प्रकार से इंडिया को जीत हो गई सेमीफाइनल के अंदर था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। तो इस प्रकार से थी मैच के हाइलाइटेड पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।